गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कीर्तन। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गाइस, आज मैं जावा स्टैंडर्ड का एक रिव्यू करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज द बाइक। इस पे आपको मिलता है हेलोजन हेडलैम्प। हेडलैम्प के बिल्कुल नीचे आपको मिल जाता है हॉर्न। आइए चलते हैं इसका साइड प्रोफाइल पे। दिस इज जावा क्लासिक वाइट कलर वर्जन। इस पे आपको रेड एंड ब्लैक का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये जो बाइक है ये सिंगल सिलेंडर बाइक है, विच हैज़ 293 cc इंजन। ये इसे बनाता है 300 cc सेगमेंट का बाइक, विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पावर ऑफ 27 bhp एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 27.05 न्यूटन मीटर। इस पे आपको मिलता है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, विच फंक्शंस एज 1 down एंड 5 up। आइए चलते हैं इसका रियर प्रोफाइल पे। बैक स्टॉप लैंप आपको मिलता है LED पे एंड डुअल साइलेंसर भी मिल जाता है। नंबर प्लेट के नीचे एक रिफ्लेक्टर भी। बैक रेस्ट एज ए स्टैंडर्ड एक्सेसरी। सीट हाइट 765 mm। रियर डिस्क ब्रेक मिल जाता है आपको। टैंक आपको मिलता है 14 लीटर का विथ गोल्ड स्ट्राइप्स। माइलेज 34 kmpl का मिल जाता है। कर्ब वेट 172 kg। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm। स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, ऑडोमीटर डिजिटल मिलता है एंड कुछ इंडिकेटर्स भी मिलते हैं जैसे कि लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, न्यूट्रल एट्सेट्रा। ये इसका लेफ्ट हैंड हैंडल बार है। ये राइट हैंड हैंडल बार है। इस पे आपको इंजन किल स्विच भी मिलता है। यहाँ पे जावा का बैजिंग। दिस इज मैसिव रेडिएटर ऑफ दिस बाइक, जिस पे आपका रेडिएटर ग्रिल भी लगा हुआ है एज ए स्टैंडर्ड एक्सेसरी। फ्रंट व्हील विद डिस्क ब्रेक एंड ABS। दिस वाज ऑल अबाउट दिस जावा स्टैंडर्ड वाइट कलर। आइए इस बाइक को स्टार्ट करते हैं एंड साइलेंसर नोट एक बारी सुनते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ जावा स्टैंडर्ड। एंड वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको 3 points जो है इस बाइक का मेंशन करना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है इसका जो अपील है। दूर से देखो, सामने से देखो, बहुत ही ऑथेंटिक अपील है इसका। बहुत ही मस्त बाइक है। सेकेंडली, इसका जो राइडिंग पोजिशन है वो भी बहुत ही कम्फर्टेबल है। आप सिटी पर राइड करो, हाईवे पर राइड करो, बहुत ही मस्त होने वाला है। वैसे तो मैं इस बाइक पर राइड करके आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा, वो अपकमिंग व्लॉग में मिल जाएगा आपको। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसका जो थ्रोटल रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ही क्रिस्प है। जैसे ही आप इसका थ्रोटल डालते हो आपको पावर मिल जाता है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वॉक अराउंड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। पसंद तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज कीर्तन साइनिंग आउट फ्रॉम केबी व्लॉग सिलचर।